हेलो दोस्तों, आज हम आपको दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि दही में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्योंकि आज कई दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि सर कुछ दिखाओ दही के बैक्टीरिया के बारे में। तो चलो भाई, आज टाइम मिल गया तो हम आपको दही के बैक्टीरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं। ऐसा ना हो कि आज मैं ये दही की स्लाइड बनाकर आपको दिखा दूं, इसके बैक्टीरिया के बारे में आपको इसका डिस्कस करा दूं और आप दही खाना छोड़ दो। ऐसा नहीं है, दही खाना मत छोड़ना, वो सब पौष्टिक जीवाणु होते हैं। ठीक है, मैं स्लाइड ले लेता हूँ और स्लाइड में मैं रखता हूँ कुछ। ठीक है, ये तो बनी बनी स्लाइड है, क्या तरीके से मैं ये कुछ स्लाइड लेता हूँ, इसमें मैं बनाता हूँ। तो आइए देख। तो दोस्तों, मैंने एक दही का सैंपल लिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये दही के सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ज़रा गौर करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी दाने का संरचना जो दिखाई दे रही माइक्रोस्कोप में, ये सब दही के बैक्टीरिया हैं। इनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये देखो, ये देखो। अब आप ये मत सोचना कि इसमें हाथ पैर, इसके हाथ पैर कहाँ, इसके आँखें कहाँ हैं। देखो, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें सिर्फ केंद्रक इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक प्रकार के एकोशिक जीव होते हैं ये। ये देखो, ये सब दही के बैक्टीरिया हैं। देखो, ये देखिए, ये सब, ये छोटे छोटे जो दाने का संरचना है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ये देखिए, ये दही के सब जीवाणु, ये देखिए, इन्हें लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं जो दही में पाए जाते हैं। ये पौष्टिक जीवाणु होते हैं, शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होते बल्कि लाभदायक होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप दही खाएं तो इसमें नमक बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इसमें आप नमक का उपयोग करोगे तो ये जो लाभदायक जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे और आपका दही खाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कभी भी आप दही खाएं तो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, सादा दही खाएं। ठीक है, तो ये मैंने स्लाइड तैयार कर दी, इसका अर्थ ये नहीं आज से आप दही खाना छोड़ दो। बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छी स्लाइड बनी है। देखो, ये गुच्छे हैं जीवाणुओं के, ये काफ़ी जो डीपली हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको और स्लाइड करके दिखाता हूँ स्लाइड को, मेरे हाथ काफ़ी दूर है माइक्रोस्कोप से, इसके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे दानेकार जो संरचना होती है, ये सब दही के बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो दही में पाए जाते हैं सारे सारे छोटे छोटे। ठीक है दोस्तों, हो गया कन्फर्म। और भी ऐसी बहुत सी स्लाइड तैयार करके मैं आपको बताऊंगा, जब भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं इन दही के जीवाणु के दही के जीवाणु के बारे में आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ जो मुख्य स्लाइडें होंगी, कुछ मुख्य जीव होंगे, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और उनकी स्लाइड जरूर तैयार करूँगा यदि मेरे पास समय हुआ तो। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।